त्यागी और आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जानने के लिए जो पाताल लोक से आई हैं। तो मेरे साथ हैं पाताल लोक के कैसे इंस्पेक्टर, जिन्होंने इस वक्त इस वेब सीरीज से अपने छोटी सी रोल से बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डाला है। मेरे साथ हैं इश्वाक, आप इनको आजकल पाताल लोक में देख रहे हैं। इनका कैरेक्टर इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन जो धीरे 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 आके लोग पकड़ लेता है। तो इश्वाक, आई थिंक यू लाइक अ यू नो रेस जब होती है ना, तो कछुआ और टॉर्टाइज वाले में यू लाइक कछुआ धीरे से आए, लेकिन जब लोग देख रहे हैं तो आपकी कैरेक्टर की बहुत तारीफ हो रही है। मतलब मैं भी हर, क्योंकि हर एपिसोड में आप हैं, अपना कुछ इनपुट डालते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस आर यू गेटिंग फॉर पाताल लोक? द रिस्पांस बहुत अच्छा है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम एवरीवन, फ्रेंड्स, फैमिली, लॉट ऑफ डीएम्स, आई मीन ऑल ओवर, एक्चुअली ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम अदर कंट्रीज। एंड आई थिंक पीपल आर जस्ट रियली, जैसे आपने बताया, वो उसकी जो पीपल आर अप्रिशिएटिंग द नुआंसेस ऑफ द कैरेक्टर, जो उसकी बहुत बारीकी है। कंसिस्टेंट थिंग इज दैट एवरीवन इज नॉट द मोमेंट्स वे इज नॉट स्पीकिंग मच, यू नो, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इनसाइड द कैरेक्टर, जो इंटरनली उसके अंदर जितना भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्ट्रडिक्ट जो चीजें चल रही हैं, all those things are being reflected, you know, in terms of through his demeanor, through his eyes and expressions. So that is one thing which I think people are really liking, that really understated kind of a controlled performance. Which is not, I think wo aise koi aisi technique nahi hai, wo character hi aisa hai, uski koi jagah nahi hai zyada baat karne ki. आपको मिला करने का और जब उसको निभाना था, तो what kind of brief you had got when you were actually heard about your character? मतलब वो आपने बिल्कुल ठीक बोला, वो बहुत ही पॉजिटिव अपबीट है और उस तरीके से उसमें एक नटशेल में, आई मीन एक सिंपल, ही इज लाइक समवन हु बिलीव्स इन द सिस्टम एंड ही इज समवन हु इज वेरी ऑनेस्ट एंड यू नो हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट, ही वांट्स टू, इज एन एस्पायरिंग आईपीएस ऑफिसर, तो जो एक ड्यूटी भी कर रहा है, आईपीएस के लिए भी पढ़ रहा है, इसी एक इतना ही में ही आपको समझ आ जाता है कि व्हाट विल बी द अप्रोच ऑफ अ पर्सन। ही विल बी वेरी डेडिकेटेड, वेरी डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, बट टू गेट टू द नुआंसेस, उसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक तरीके से उसे कहूंगा कि स्क्रिप्ट में आपको एक बात समझ आ जाती है कि हाँ, ये कैरेक्टर है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी से लिखी हुई है, बहुत डिटेल में लिखी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक, आई थिंक एक्टर की एक, एटलीस्ट जितना मुझे समझ आता है, जिस तरीके से मुझे काम करना अच्छा लगता है, आप उसे एक नए सिरे से शुरू करते हैं। चले हम यहाँ पे इसके रास्ते पे, अगर मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ, व्हाट डज इट मीन टू बी, मेरा बैकग्राउंड क्या है, वो कश्मीरी मुसलमान है, कितने टाइम, किस उम्र में आया होगा दिल्ली, कितनी उसकी यहाँ पे पढ़ाई, कितनी कश्मीर में उसने पढ़ाई की है, एथनिसिटी, रिलीजन ने एक बेस जरूर बनाया था, जिसके लिए मैंने कुछ 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 अपनी अवेयरनेस भी है, कुछ किताबें भी पढ़ी थी, to get a sense of, you know, what this person is like, what his background is, family kaisi rahi hogi, but yahan aake jo uska ek policing ka jo pura environment hai uske liye maine use is tarike se approach kiya ki usme main kuch police walon se meri interaction rahi aur usse mujhe ye baat pata lagi ki jis type ka ek character hai, इसमें इसने बेसिकली अलग अलग मोटिवेशन होती है पुलिस वालों की काम करने के लिए, पुलिस फोर्स में। सो ही इज समवन हु केम अक्रॉस एज समवन हुज बेसिकली इंटरेस्टेड इन पुलिस वर्क, हुज वेरी डिलिजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग। सो वो मतलब वहाँ जो उसका बेस था, वहाँ पहुँचने के लिए अपने आप को जब मैंने इन सब चीज़ों में इमर्स किया, तो उसका एक नेचुरली जो कैरेक्टर बन के आया, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट और इस तरीके से था, ऑनेस्ट कैरेक्टर था।
तो एक्टिंग कहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन का गेम है, तो साथ में जो अच्छी एनर्जी हो तो वो रिफ्लेक्ट होकर आती है ना आपके और जयदीप अहलावत के सबसे ज्यादा सीन्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल सीन्स में आप साथ हैं, एक तरह से राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह आप हर जगह नजर आते हैं पूरी वेब सीरीज में। तो जयदीप के साथ कितना आपका एक्सचेंज हुआ, जैसे मैंने कहा एक्शन रिएक्शन का गेम है एक्टिंग, तो हाउ वाज जयदीप एज अ को-स्टार टू वर्क विद एंड बिकॉज वो आपके साथ हर सीन में जुड़े हुए थे। He was great. He was great. I have a lot of regard for his work, right from Gangs. So, एक तरीके से जो हमारा एक natural rapo था, वो कहीं ना कहीं screen में भी नजर आ रहा था। मुझे बहुत उनके साथ काम करने में काफी मजा आया। He brings a lot to the table. एक actor का normally एक बड़ा myopic सा vision होता है कि मतलब अपना काम से मतलब रखता है वो in terms of acting, but he has a general overview or understanding of, you know, the great understanding of how of a scene will be shot, kaisa wo kis tarike se use approach kiya ja sakta hai, so which is bahut help karti thi technically, you know, his understanding of the whole thing. Character wise, because hamara ek rapo tha to wo kahin na kahin wo cheez zarur camera ke samne aapko dikhegi, ek wo bade natural hamara comfort level tha. और एक्शन रिएक्शन का है और वो हेल्प भी करता है, लेकिन और कई कई जगह ऐसे सीन्स थे जहाँ पे मतलब आजकल क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स होती है, हम एक्शन रिएक्शन से थोड़ा आगे भी जा चुके हैं, हमें कई बार जो इंटरनली चीज़ें चल रही होती हैं उनको भी सामने बाहर लाना होता है, और जो एक डायलॉग का इमिजिएट रिएक्शन है जिसे सब टेक्स्ट हम कहते हैं, वो काफ़ी चीज़ें भी प्ले करती हैं। लेकिन ये जो आपने बात बोली, इस चीज को मैंने स्पेशली जयदीप के साथ एक्सपीरियंस किया कई सीनों में, जहाँ पे आप एकदम सारी चीजों को अपनी प्रिपरेशन को हर चीज को साइड कर देते हैं, और उसी मोमेंट में अगर आप सिर्फ उस एक्टर के साथ उस मोमेंट में मौजूद हैं और उसमें आप इन्वॉल्व हैं सीन में, तो बहुत ही मतलब एक उसी स्पॉन्टेनियस जिसे आप कहते हैं रिएक्शंस कुछ बने, और वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। काफी टफ था शूटिंग करना क्योंकि कई सारे आपने वो निजामुद्दीन का चेस सीक्वेंस वाला सीन था, दिल्ली के बाजारों में भाग रहे हैं, चित्रकूट में जा रहे हैं, आपके पंजाब में काफी सारे सीन्स थे, तो रियल लोकेशन में आई थिंक इट मस्ट बी फिजिकली चैलेंजिंग फॉर यू एज एन एक्टर टू शूट इन दोस। ओह या रियल लोकेशन, हां कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होते थे, मतलब गिरना उधर उधर, और उससे और कुछ नहीं तो मजा आता था और शूटिंग करने में, बिकॉज द चेस सीक्वेंस इज एक्चुअली इन ओल्ड दिल्ली, एंड उसमें मुझे वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, वो इट वाज वन ऑफ द लास्ट डेज ऑफ द दिल्ली स्केड, एंड हमने यू नो द इट वाज इन द मिर्ची मार्केट जो तारिक का जो घर दिखाया है, तो वहाँ पे द यू नो द एनवायरनमेंट सच वहाँ पे उसमें जो मिर्ची की इतनी ज़्यादा वहाँ पे मतलब आप खड़ा भी नहीं हो सकते वहाँ पे, इतना वहाँ के लिए वहाँ पे शूट करना, लेकिन हम सब वहाँ पे 6-7 घंटे हमने उसको पूरे को लोकेशन पे शूट किया, वो चेस सीक्वेंस किया, तो बहुत फिजिकली चैलेंजिंग था, लेकिन सच बताऊँ तो एक्टर को मतलब एज एन एक्टर इट्स इक्वली एंजॉयबल, आपको अच्छा भी लगता है कि आपने कुछ ऐसे बिकॉज फिर व्हाट डज एन एक्टर नीड टू गेट द राइट काइंड ऑफ इमोशन, इट इज ऑल दीज थिंग्स यू नो, इट्स दिस डिफिकल्टी, वो चीज़ें फिर आपकी बॉडी में वो सारी डिस्कम्फर्ट आने लगता है, और वो सारी चीजें स्क्रीन पे दिख रही हैं। चित्रकूट का तो दैट वाज जयदीप जर्नी एंड ही डिड इट एंड ही डिड इट ब्यूटीफुली, मैं उसका ज्यादा आई वाजंट अ पार्ट ऑफ दैट ड्यूरिंग द शूटिंग, बट हाँ द दिल्ली बिट वाज लाइक दैट यू नो, वी वुड लाइव लोकेशन में शूट करना, यही एक आई थिंक एक सबसे बड़ा फर्क थिएटर और, बिकॉज मैं काफी टाइम स्टेज पे भी काम किया है, तो स्टेज और स्क्रीन में ये बहुत फर्क है कि वहां पे अगर आपको एक बारिश भी इमेजिन करनी है तो आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, अगर बारिश का भी सीन है तो आप पेड़ के नीचे बैठे हैं शेड है तो आपको इमेजिन, यहाँ पे आपको सब कुछ लाइव मिलता है, वो जो उसका इफेक्ट होता है, वो जो रिएक्शन होता है बॉडी में एक एक्टर के लिए, इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज देन वो नेचुरली चीजें होने लगती है, आप एक रियल एनवायरमेंट में उसको एक एंजॉय मतलब काम को आप सिर्फ एक्टिंग को जो एक प्रेशर होता है वो सारी चीजें काफी हट जाती है, it's a lot more enjoyable. So, abhi what next? आगे क्या plans हैं? कुछ ऐसी web series और करने का इरादा है? हम season 2 का wait करें पाता लोग में कि आप IAS officer बनते हैं कि नहीं? I'm sure वो तो जैसे as the makers would have planned it, कुछ ना कुछ जरूर होगा, but और I'm basically मैंने एक international film की है, वो भी festivals में, और कुछ एक there's a very interesting web series. Plus some other things in the pipeline,
I'm sure you'll get to know soon. And how's the lockdown treating you? Lockdown is not bad. I mean, I was kind of getting a little bored until the series came out. But naturally the excitement level has gone up. But because it's a lockdown and the overall environment is a little low, so one is not that upbeat. Jaisa hona chahiye tha. Matlab, I was really, really looking forward to this. I thought, you know, there'd be a lot of interactions. We'd physically, like, we'd be all meeting, celebrating, you know, watching screenings together. Plus, generally, you know, the environment's a little down, so that's one downside. But then, yeah, you can't complain. It's the kind of phenomenal response the show has got. I'm extremely thrilled and grateful to the audience. मैं चाहता हूँ आप में ज़्यादा दिखें और हमारा इस तरह से मनोरंजन करते रहें. हमसे बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. Thank you.